5 विकेट लेकर चहल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसा करने वाले युजवेंद्र बने दुनिया के पहले खिलाड़ी। भारत के खिलाफ पहले वनडे में बुरी तरह हारने के बाद दूसरे वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका की हालत खराब है। डरबन में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज टीम इंडिया के स्पिन ट्विन कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल का सामना नहीं कर पाए थे और सेंचुरियन में भी भारतीय स्पिनर उन पर भारी पड़े। कुलदीप यादव ने जहां 6 ओवर में 3 विकेट लिए, वहीं चहल ने 8.2 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट झटके। इसी के साथ चहल ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया। चहल दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे 5 विकेट हॉल लेने वाले दुनिया के पहले स्पिन गेंदबाज हैं। 22 रन पर 5 विकेट चहल के वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो है ही, साथ ही दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर निकी बोजे के 21 रन पर 5 विकेट के बाद किसी भी स्पिनर का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। चहल दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दूसरे स्पिन गेंदबाज हैं। पहले नंबर पर पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम 16 रन देकर 5 विकेट हैं। चहल के इस शानदार 5 विकेट हॉल की बदौलत मेजबान टीम की पारी 118 रनों पर सिमट गई, जो कि घरेलू वनडे में दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले साल 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में बनाया 119 रनों का स्कोर दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम घरेलू वनडे स्कोर था। फिलहाल 119 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही है। चौथे ओवर में रोहित शर्मा का विकेट खोने के बाद विराट कोहली और शिखर धवन की साझेदारी से भारत मैच में बना हुआ है।